तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु। हालेलुया, आइए मिलके प्रभु की आराधना करेंगे, जो हमें आनंद से भरता है, जो हमें खुशी से भरता है, आइए उसकी आराधना करें। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। धन्यवाद यीशु,
तेरा हाथ हम पे बना रहे प्रभु, तेरा प्यार हम पे सदैव बना रहे प्रभु। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी ओर निहारें एक बार फिर। जब प्रभु ने यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना करें, तो आइए फिर देखिए गहराई से प्रभु को आराधना करें। ओ अब्बा स्वर्गीय मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीय मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीय तू मुझ पर बरसा दे। तेरी पवित्र ओस को, तेरी उस सामर्थ को प्रभु मेरे जीवन में, जब हम तेरे चरणों के पास आए तो हमें प्रकाशित करे प्रभु, अपनी बाहों में हमें ले ले प्रभु और तेरे नजदीक चला प्रभु, अपनी आत्मा से हमें घेरे रहे प्रभु, हमसे बातें करते रहे, तेरी ओस की वर्षा में हमें भीगने दे प्रभु, उस सामर्थ्य ओस की वर्षा में हम भीगना चाहते हैं, हम डूबे रहना चाहते हैं खुदा तेरे उस अभिषेक में, तेरी उस सामर्थ्य में। आइए प्रभु के दास के द्वारा उस जीवित कलाम को जो हमारे लिए प्रभु ने आज के दिन के लिए रखा है, प्रभु के दास के द्वारा हम सुनेंगे। प्राइज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की शाम हमारे इस
डेली ब्रेड कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसके 45 पद से और 51 पद तक पढ़ेंगे। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियाकड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएंगे जब वह उसकी बाट न जोता हो और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा। वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में एक दृष्टांत के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं और वो दृष्टांत इस प्रकार से है। 45 पद में लिखा है, सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है। मेरे अजीजों, दो चीजें यहां पर, फेथफुलनेस एंड वाइस मैन, या बुद्धिमानी से काम लेने वाला दास। आपके जीवन के अंदर जब परमेश्वर आपको किसी बात के लिए विश्वास योग्य समझता है तो आपका फर्ज और कर्तव्य होता है कि आप पूरी बुद्धिमानी के साथ और विश्वास योग्यता के साथ जो काम आपको दिया गया है उसमें खरे उतरें। पौलुस अपनी पत्री, जब तिमोथियुस को पत्री लिख रहा है, पहला तिमोथियुस 1 अध्याय उसके 12 पद को पढ़ें। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, मैं यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, मुझ में अपना विश्वास जताकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। मुझे अपनी सेवा के लिए क्या करा है? ठहराया है। तो यहाँ एक बुद्धिमान दास और एक विश्वास योग्य दास। जो विश्वास योग्य होता है परमेश्वर अपना विश्वास उसके अंदर दिखाता है। किसी भी व्यक्ति को जांचने के लिए, उसकी विश्वास योग्यता को परखने के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति की विश्वास योग्यता को परखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पहले उसे छोटा भाग देकर उसमें वो विश्वास योग्य रहता है या नहीं रहता है उसको देखेंगे, और जब वो विश्वास योग्यता को दिखा देता है तो उससे बड़ा भाग भी आप उसे दे सकते हैं या उस पर लाखों करोड़ों रुपए का भी विश्वास किया जा सकता है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि वो यीशु मसीह कह रहा है कि सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है। आज शाम जब मैं बात कर रहा हूं इस परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो मैं चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वो अपने जीवन के अंदर अपनी विश्वास योग्यता और अपनी बुद्धिमानी को परखें। वहां लिखा है कि जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, यानी कोई व्यक्ति के अंदर परमेश्वर ने उसे विश्वास योग्य समझकर उसके अधीनता में कुछ लोगों को दिया कि भाई वो तेरी अधीनता में काम करेंगे। मैं जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, मान लीजिए आपका एक परिवार है और आपके एक परिवार के अंदर आप परिवार के मुखिया हैं, यानी उस परिवार के स्वामी कहलाएंगे आप। अब आपकी अधीनता में आपको परमेश्वर ने एक पत्नी दी है और पत्नी देते समय पत्नी की सारी आवश्यकताओं को पूरा करना, समय समय पर उसकी देखभाल करना, उसकी जिम्मेदारी आपके कंधे पर डाल दी। फिर पति और पत्नी दोनों को परखने के लिए परमेश्वर ने परिवार के अंदर बच्चे दिए। अब उन बच्चों को भी अच्छे संस्कार देना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनको खिलाना पिलाना, उन्हें बड़ा करना,
ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दे दी है। अब आप अपनी पत्नी के साथ कितने वफादार हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ कितने वफादार हैं, और आप पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। मेरे अजीजों, कई परिवारों में मैंने देखा है कि आपको यदि स्वामित्व दिया गया है तो आप उस स्वामित्व का गलत अंदाज इस्तेमाल करते हैं, गलत तरीके से उसे लेते हैं। पत्नी को मारना, पत्नी को ठोकना या उन्हें अपशब्द बोलना, गाली गलौज करना, और केवल अपने बारे में सोचना, पत्नी के बारे में नहीं सोचना, ये सब जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आप में, आपको विश्वास योग्य समझकर, आप एक पुरुष है ना, तो समझ लीजिए परमेश्वर ने आपको पुरुष इसलिए बनाया कि आपके अंदर उसने अपना विश्वास दिखाया है। अब आप कैसे पुरुष हैं और कितनी विश्वास योग्यता के साथ आप इस्तेमाल होते हैं और कैसे आप अपने अधीनस्थ लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, मान लीजिए आप एक कर्मचारी ऑफिस में किसी अधिकारी पद पर हैं, आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं, आपके बंगले में, आपके घर बार में, आपकी दुकान में, आपके व्यवसाय में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आपको दिया है जिनके ऊपर आप शासन करते हैं, या उनको आपके पास नौकर चाकर हैं उनके ऊपर आपको अधिकारी ठहराया है। अब आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि समय पर उन्हें भोजन दें। देखिए बहुत अच्छी बात देखिए, समय पर उन्हें भोजन मिले। आपकी पत्नी को और आपके बच्चों को और आपके घर के नौकर चाकर को और जो कुछ परमेश्वर ने लोग आपको दिए हैं, जानवर आपको दिए हैं, आपका फर्ज और कर्तव्य बनता है कि उन्हें समय पर भोजन मिले। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बुद्धिमान और विश्वास योग्य दास वो है कि जिनको परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपके बच्चे हो, चाहे घर में नौकर चाकर हो, वो सब किस प्रकार से जीवन जी रहे हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। समय पर उन्हें भोजन दे। आगे 46 पद को लिखेंगे हम। धन्य है वह दास, धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। धन्य है, ब्लेस्ड है वो, आशीषित है वो व्यक्ति जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी, अच्छी रीति से, पूरी विश्वास योग्यता के साथ और पूरी बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करता हुआ पाया जाए। उसका स्वामी अचानक कभी भी आ जाए और जब वो आए तो नौकरों का चेहरा उतरा हुआ ना हो, पत्नी का चेहरा उतरा हुआ ना हो, पत्नी उदास अवस्था में पड़ी है, बच्चे उधर पिटके पड़े हुए हैं, क्यों ऐसा हो गया, पापा पी के आए हैं, अजी घर का स्वामी पी के आया है, पेकड़ हो गया है। अगर ऐसी दशा में पाए गए तो धन्य वन्य छोड़ो, डंडे के हकदार हो जाओगे, और डंडे तो छोड़ो, नीचे लिखा है बहुत कुछ और चलेंगे अपन बाद में जब देखेंगे तो आप किस चीज़ के हकदार हो जाएंगे वो भी पता चल जाएगा। आप मत समझना कि अगर मैंने पत्नी को रोटी नहीं दी, कपड़ा नहीं दिया, मकान नहीं दिया, बच्चों को पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, तो क्या कर लेगा खुदा मेरा। करेगा करेगा भाई, जिम्मेदारी दी है तुमको, तुम्हारे अंदर विश्वास योग्य समझ कर तुम्हें एक अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, है ना, इस विश्वास के साथ कि देखिए आपकी जो पत्नी है वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके जो बच्चे हैं वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो प्रॉपर्टी है परमेश्वर की, जिसने, जिस परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझकर उनकी केयर टेकिंग के लिए आपको रखा है। अब जो प्रॉपर्टी परमेश्वर की है उसकी केयर टेकिंग आपने ढंग से नहीं की तो आपके साथ बहुत बुरा होने वाला है, आपके साथ बहुत गड़बड़ होने वाली है। आप मान लीजिए एक बहुत बड़े अच्छे व्यापारी हैं, आपके अधीनता में कुछ नौकर चाकरों को प्रभु ने दिया है, अब उन नौकर चाकर और उन नौकर चाकरों के परिवार की जिम्मेदारी भी आप पर है। आप तो खूब अच्छे से खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं मस्ती से, लेकिन आपके नौकर चाकर को एक टाइम का भोजन भी बराबर नहीं मिल रहा है। आप इसको बोलते हैं आर्थिक शोषण करना।
आप उनका आर्थिक शोषण कर रहे हो। मेरे आशीषों, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा करने वालों के साथ कुछ अजब गजब होने वाला है, जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी कभी। अगर आप एक अच्छे पति नहीं हैं, अगर आप एक अच्छी पत्नी नहीं हैं, और आप एक अच्छे माता पिता नहीं हैं, आप एक अच्छी सास और एक ससुर नहीं हैं, तो आपके साथ कुछ घटने वाला है, ये ध्यान रखना। सास को बहू परमेश्वर ने तलने के लिए नहीं दी है, जिठानी को बहू छोटे भाई की पत्नी को तलने का अधिकार नहीं है। बड़े को हमेशा बड़ा आपको इसलिए बनाया गया है कि ताकि आप छोटे का पालन पोषण करें। आपको बड़ा इसलिए बनाया गया है। देखिए, बड़ा बनाना, कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, ये अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। ठीक है, मैं मेरे छोटे भाई का बड़ा भाई हूं, तो ये अधिकार मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है। परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य समझकर मुझे एक छोटा भाई दिया है कि मैं अपने छोटे भाई के साथ अच्छा व्यवहार करूं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ये बता रहा था आपको कि जितनी भी चीजें, प्रॉपर्टीज और चल अचल संपत्ति जो भी देता है, सब प्रभु आपको देता है और आप उसके मालिक नहीं है। ध्यान रखना, आप उसके एक तरीके से केवल केयरटेकर हैं। कुछ समय के लिए आपको स्वामित्व दिया गया है, आपको उन्हें संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। स्वामित्व नहीं दिया गया है, लेकिन उनको संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। और जो अच्छी रीति से संभालता है, जो अच्छी रीति से उसकी देखभाल करता है, परमेश्वर उसे बहुत कुछ और भी देता है। और यहां लिखा है, धन्य वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए, यानी अपने नौकर चाकरों से प्यार करते हुए पाए, उनकी केयर टेकिंग करते हुए पाए, अपनी अपनी पत्नी से आप प्यार करते हुए पाए जाएं, अपने पति की साथ आप प्यार करते हुए पाए जाएं, आप पति पत्नी दोनों मिलकर बच्चों की अच्छी केयर टेकिंग करते हुए पाए जाएं। जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं, विश्वास योग्यता और बुद्धिमानी के साथ, यदि आप अपने नीचे कर्मचारियों के साथ, नीचे जो पद हैं उनके साथ, नीचे जो रिश्ते हैं उनके साथ यदि आप व्यवहार कर रहे हैं, तो आप धन्य हो जाएंगे। जिसे आपका स्वामी आकर आपको ऐसा ही करते पाए, धन्य है वो स्वामी, वो दास जिसे उसका स्वामी आकर उसे वैसा ही करता हुआ पाए। आगे 47 पद में, मैं तुमसे सच कहता हूं, हाँ यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। देखिए, थोड़ा देकर परखता है प्रभु, फिर उसके बाद जब विश्वास, हम उसके विश्वास पर खरे उतर जाते हैं, तो परमेश्वर और देता है, मोर 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 मोर। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। प्रेज द लॉर्ड। और भी ज्यादा ओवरसियर बना दिया जाएगा, और ज्यादा जिम्मेदारियां प्रभु उसको देगा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? तो हमें इस बात को समझना है। चलिए 47 पद के आगे 48 पद में जाएंगे। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, मेरा स्वामी तो पता नहीं कब आएगा, पता नहीं आएगा अभी कि नहीं आएगा, बोला तो था आने को लेकिन आया नहीं अभी तक, चलो मुझे जो करना है मैं करूंगा। आगे, और अपने साथी दासों को पीटने लगे, अपने साथी दासों के साथ दुष्टता का व्यवहार करने लगे, उनके साथ मारपीट करने लगे। आपको आपकी पत्नी के साथ मारपीट करने का अधिकार नहीं है, ध्यान रखना। आपको आपके नौकरों के साथ मारपीट करने का अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर का वचन बोल रहा है, अपने साथी दासों को क्या करने लगे? पीटने लगे, और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए, पियक्कड़ लोगों के साथ तुम्हारी उठ बैठ हो जाए। आप एक देखिए, एक घर का जो स्वामी है, यानी घर का तो जो पति है, अगर वो
किसी पियक्कड़ के साथ बैठने लग जाए और पीना खाना शुरू कर दे, अब आप बताइए उस परिवार का क्या हाल होगा। और एक सेठ जिसके नीचे 10-12-15 कर्मचारी 20 कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो भी अगर पियक्कड़ किस्म का हो जाए और अपने दासों को दुर्व्यवहार करने लगे, उनके साथ मारपीट करने लगे, तो आप सोचिए उसके उसको अगर जब उस स्वामी को पता चलेगा कि इसको मैंने विश्वास योग्य समझकर ये चीज़ें दी थी, लेकिन ये इन मेरे कर्मचारियों के साथ, देखिए प्रॉपर्टी कौन है, प्रॉपर्टी किसकी है, दास। अगर कोई नौकर आपके घर में काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपने उसे खरीद लिया है, वो उसकी मजबूरी है कि वो आपके पास आकर काम कर रहा है, और यदि वो आपके पास काम कर रहा है तो उसके बदले में आपको उसकी मजदूरी भी देना है। लेकिन अगर आप अपने व्यवहार को बिगाड़ लें और उस दास के साथ मारपीट करें, उसके साथ अत्याचार करें, आवर से ज़्यादा काम लें उससे, और पियक्कड़ों के साथ तुम्हारी उठ बैठ हो जाए, और आप सब जानते हैं कि जब आप एक व्यक्ति जब पियक्कड़ों के साथ बैठने लगता है तो उसके परिवार का क्या हाल होता है, उसके व्यापार का क्या हाल होता है, उसके नौकर चाकरों का क्या हाल होता है, और उसके बाद क्या लिखा है 50। तो उस दास का स्वामी, उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा, ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट न जोता हो। परमेश्वर कह रहा है मैं ऐसे दिन आऊंगा, ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में भी बताया जा रहा है। यीशु मसीह कब आएगा इसका कोई पता नहीं है, इसलिए जो जिम्मेदारी, जो सेवा, जो लोग आपकी अधीनता में आपको दिए हैं, उनके साथ एक अच्छा व्यवहार, बुद्धिमानी के साथ व्यवहार और विश्वास योग्य बने रहो, वरना एक दिन आपके साथ बहुत बुरा हो जाएगा और आप उसको सोच भी नहीं पाएंगे। मेरे अजीजों, ये जीवित परमेश्वर का वचन है जो आज शाम हम सुन रहे हैं, ये कोई कहानी कथा नहीं है, ये यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के विषय में बता रहा है कि ऐसा ऐसा होगा। सो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो अचानक आएगा, बिना आवाज किए आएगा, बिना बताए आएगा, ताकि असलियत को जान सके। और ऐसे समय में आएगा जब वो शायद पिए हुए की मुद्रा में होगा और अपने आप को छुपा भी नहीं पाएगा, वो उसकी बाट ना जोता हुआ होगा, यानी उसकी जीवन की लापरवाहियों के दिनों में, या अगर मैं ऐसा कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो उसकी लापरवाही, बेपरवाही, या जब वो अपनी विश्वास योग्यता को खो देगा, उस दिन अगर यीशु मसीह आ गया। मैं कलीसिया को भी कहना चाहता हूं, जो जिम्मेदारी खुदा ने आपको दी है, जो परिवार आपको प्रभु ने दिया है, भरपूर प्यार करें, जो जिम्मेदारी आपको प्रभु ने दी है उसका भरपूर इस्तेमाल करें, दास और दासी और कर्मचारी आपको दिए हैं उनका ध्यान रखें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें, उनके प्रति आलसी और बेपरवाह ना हो जाएं। मेरे अजीजों, अगर आपने ऐसा किया तो यीशु मसीह के लिए कहता है कि ये किस्सा यीशु मसीह क्यों सुना रहा है मालूम है, ये यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के विषय में बात कर रहा है कि यीशु मसीह का आगमन भी ऐसे ही होगा, जब हम सो रहे होंगे, जब हम बेपरवाह होंगे काई के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति। मेरे अजीजों, हमेशा जागते रहो, बाइबल में एक जगह नहीं सैकड़ों जगह लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ताकि तुम ऐसा ना हो कि तुम जो है
एंड टाइम के ऊपर तुम्हारा स्वर्ग तुमसे छिन जाए। इसलिए लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा, है ना। अंत तक हमें इस विश्वास में बने रहना है, इसके अंदर इसकी कुश्ती को लड़ना है, इस दौड़ को पूरा करना है, विश्वास को खोना नहीं है। और बुद्धिमानी के साथ जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, परिवार दिया गया है, इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, कर्मचारी दिए गए हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। यानी यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन के विषय में बता रहा है कि मेरा आगमन भी ऐसा ही होगा, अचानक से मेरा आना हो जाएगा, और ऐसे में बहुत सारे लोगों को मैं वो करते हुए देखूंगा जो ना करने का आज्ञा दी है। परमेश्वर ने पियक्कड़पन की आत्मा या पियक्कड़ पीने की इजाजत थोड़ी दी है, लेकिन हम बेपरवाह हो गए, अपनी आत्मा के प्रति जागरूक नहीं रहे। मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु का परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 9 पद और 15 पद को जब हम पढ़ते हैं, मैंने पिछले दिनों में भी पढ़ाई थी और मैं चाहता हूँ कि आज भी इसको पढ़ लें, ये अत्यंत आवश्यक है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, सचेत रहो, ये सब बाइबल में बहुत सारी जगह लिखा है, लेकिन यहाँ 9वें पद को अगर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा ही है अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो, अपनी आत्मा के विषय में, अपने विषय में जागृत रहो, दूसरे के प्रति मत रहो, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, और कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तूने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, तुम्हारे मन से चली जाए, और किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। आगे 15 पद भी पढ़ दीजिए। इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, अपने विषय में अपनी जिम्मेदारियों के विषय में, अपने काम के विषय में विश्वास योग्य समझ कर जो परमेश्वर ने जिम्मेदारी आपको दी है उसके विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब परमेश्वर ने तुमसे होरे पर्वत पर आग के बीच में से बातें की तब तुमको कोई रूप न दिखाई पड़ा। मूर्ति पूजा करने वालों के लिए परमेश्वर का वचन है ये, उसका कोई रूप दिखाई नहीं पड़ा। जब परमेश्वर ने तुमसे बातें करी तो कोई रूप दिखा उसका वहां पर आग के बीच में? जब परमेश्वर ने पर्वत पर बात की तो उसका कोई रूप तुम्हें दिखाई ना पड़ा। इसलिए ऐसा ना हो कि तुम कोई उसका रूप बना लो और उसकी कोई मूरत सूरत बनाकर उसकी उपासना आराधना करना शुरू कर दो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम क्या रहना, बहुत सावधान रहना। परमेश्वर आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। मेरे अजीजो, प्रभु का वचन कहता है तुम मेरे लिए कोई मूरत मत बनाना, क्योंकि जब मैंने तुमसे बातें की तो क्या मुझे बताओ तुमने मेरा कोई रूप देखा वहां पर? मेरा कोई रूप नहीं है। मेरे अजीजों, न जाने कहां से थ्योरी बना ली जाती है और इजाजत दे दी जाती है कि जी अब नए नियम में जो है मूर्ति बनाने का जो है अनुमति है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं वो मेरे समझ में नहीं आता। परमेश्वर कहता है मेरे लिए कोई मेरा कोई रूप तुमने वहाँ पर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए अपने विषय में क्या रहना, बहुत सावधान रहना। सावधान नहीं लिखा है वहाँ पर, वहाँ लिखा है बहुत सावधान रहना। मत्ती के 24वें अध्याय में हम वापस आते हैं तो वहाँ लिखा है दास कौन से दिन आएगा उसकी तुम जो है जब उसकी बाट तुम जोते ना होगे, यानि तुम स्लीपिंग पिल्स लेकर के पड़े होगे, यानि तुम गफलत में सो रहे होगे। बस अगर यीशु मसीह का दूसरा आगमन उस समय में हो गया जब आप गफलत में हैं, तो मेरे अजीजों आपकी मेहनत, आपका जो प्रयास है वो सब विफल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप उस स्वर्ग राज से जिसमें आप जाने की तैयारी कर रहे हैं वंचित हो जाएं। तो वहां लिखा है उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी बाट ना जोता होगा, यानी वो तैयार नहीं होगा, कीप रेडी नहीं होगा आगे, और ऐसी घड़ी जिसे वह न जानता हो। हाँ, वो कभी सोच भी नहीं पाएगा कि यीशु मसीह रात को कितनी बजे आएगा या दिन में आएगा।
और ऐसा समय यीशु मसीह चुनेगा जब अधिकतर लोग अपनी बेहोशी की हालत में होंगे, मदहोशी की हालत में होंगे, और बाइबल बताती है ऐसी घड़ी को वो जब जानता ना हो, और उसे क्या करेगा, और उसे भारी ताड़ना देकर, तब वह उसे भारी ताड़ना देगा, उसे क्या देगा, वो भारी ताड़ना। मेरे आशीषों, अगर विश्वास योग्यता में बना रहता, अपने विश्वास के प्रति जागरूक रहता, अपने अपने कर्मचारियों के प्रति वफादार रहता, उनका लालन पालन पोषण जिसकी जिम्मेदारी उनको दी गई थी, समय पर उनका मेहनताना उनको देता, समय समय पर उनका ध्यान रखता, तो आज उसके साथ ये नहीं होता जो अब होने जा रहा है। और लिखा है उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग किसके साथ गिना गया, कपटियों के साथ ठहराएगा। कपटियों के साथ, कपटियों का मतलब क्या है मालूम है, धोखेबाजों के साथ। मेरे अजीजों, उसका भाग कपटियों के साथ ठहरेगा, वहां पर क्या होगा, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, दांतों का पीसना होगा, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। मेरे अजीजों, ये रोना और दांतों का पीसना क्या है, ये एक प्रकार से यूं समझ लीजिए, वो व्यक्ति जो विश्वास योग्य नहीं रहा, वो व्यक्ति जो बुद्धिमानी से लोगों के साथ व्यवहार ना कर रहा था, और वो व्यक्ति जो गफलत में पड़ा हुआ था, जो बेचैन यूं समझ लीजिए सचेत नहीं था, उसके लिए लिखा है वो नरक का भागी हो जाएगा। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, इसका क्या मतलब है भाई, ये नरक का सीन है। परंतु जो विश्वास योग्य रहेगा, बाइबल का परमेश्वर यहां बताता है 47 पद में कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो विश्वास योग्य रहेगा उसे वो अपनी सारी संपत्ति के ऊपर क्या ठहराएगा, अधिकारी ठहराएगा, अधिकारी ठहराएगा, सरदार ठहराएगा, और देगा उन्हें। मेरे अजीजों, आगे हमें और देखेंगे अभी मत्ती के 25वें अध्याय के अंदर विश्वास योग्यता के बारे में। हम अपने जीवन के अंदर विश्वास योग्यता कभी ना खोएं, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने काम के प्रति। अब यहां पर क्या काम उसको दिया गया था कि भैया जो नौकर चाकर काम कर रहे हैं उनको समय पर जो है क्या दे देने का है, भोजन देना है, समय पर उनको रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे उसके लिए जो है व्यवस्था करना है। लेकिन इसने क्या किया, ये उस पैसे को मिसयूज करने लगा, उस पद का मिसयूज करने लगा, विश्वास योग्यता समझ खो दी इसने, वो विश्वास योग्य नहीं निकला और अपना सब कुछ इसने खो दिया। मालिक का जो विश्वास था उसका विश्वासघात किया इसने। मेरे अजीजों, हम बहुत सी दफा विश्वास योग्य नहीं रह पाते, हम विश्वास योग्यता के अंदर नहीं बढ़ पाते। मैं चाहता हूं कि हम विश्वास योग्यता के अंदर आगे बढ़ें। और जो इंसान अपनी विश्वास योग्यता में बना रहेगा, निश्चित रूप से प्रभु की ओर से वो जब प्रभु आएगा तो अवार्ड और रिवार्ड भी देगा। मेरे अजीजो, यदि आज शाम आप इस कलाम को सुन रहे हैं, यदि आज शाम आपने इस बात को सुना है, अगर हम देखें 42 और 43 पद को पढ़ें ब्रदर, इसके इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा, तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। लेकिन आएगा, वो कब आएगा, किस घड़ी आएगा, रात में आएगा, दिन में आएगा, कब आएगा हमें पता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, परंतु ये जान लो, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। हेलो, हमें क्या करना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। मेरे अजीज, जब हम किसी ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि आप जब रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठने के लिए आधा घंटा पहले तैयार होकर के ट्रेन में पहुंच जाते हैं। ट्रेन भले ही देर से आए,
उसका कोई क्लेम आप नहीं कर सकते रेलवे पे, क्या हम आधे घंटे से यहाँ आके बैठे हैं, आधे घंटे का हमारे को मेहनता ना दो। आप रेलवे पे ऐसा क्लेम नहीं कर सकते। पर यदि आप लेट पहुंचे, यदि आप टिकट ले लिया हो आपने और आप लेट पहुंचे और गाड़ी निकल गई, तो आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते कि साहब गाड़ी सही टाइम पे क्यों निकल गई। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको समय और असमय तैयार रहना है। पौलुस अपने बेटे को भी सिखाता है इस बात को कि तू समय और असमय हमेशा क्या कर, तैयार रहे, जागता रहे। अब जागते रहने का मतलब ये नहीं है कि आप रात में सोए नहीं, जागने का मतलब है अपनी आत्मा के प्रति जागरूक रहना, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहना। क्या आप मेरे साथ हैं? और बाइबल का परमेश्वर बोलता है जो जागता हुआ अपने घर की रखवाली करता है, उसकी चीज को दुनिया की कोई चीज, दुनिया की कोई चीजें चुरा नहीं सकती हैं। ये परमेश्वर का वचन हमें हम अच्छी रीति से बताता है कि जो जागते हुए क्या करता है, अपने घर की रक्षा करता है, उसका माल बचा रहता है। हालेलुया। पढ़ेंगे जरा। परंतु ये जान लो, हाँ, कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, कि चोर किस समय आएगा, तो जागता रहता। तो क्या करता वो? जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता, अपने घर में चोरी होने नहीं देता। मेरे अजीजों, आप नरक ना चले जाएं इसके लिए आपको जागना ही पड़ेगा। यीशु मसीह का आगमन कब हो जाएगा, कब वो लेखा लेने आ जाएगा, हम कुछ कह नहीं सकते। परमेश्वर के वचन में मती का 12 अध्याय और उसके 29 पद को पढ़ें। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर, यदि आप बलवंत हैं, जागे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं, तो चोर आपका माल लूट कर नहीं ले जा सकता जब तक कि वो आपको गफलत में ना डाल दे। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िएगा। या कैसे कोई मनुष्य, हाँ, किसी बलवंत के घर में घुसकर, हाँ, उसका माल लूट सकता है? कोई कैसे लूट सकता है घर का माल? मेरे अजीजों, एक और आयत पढ़ेंगे, मत्ती का 11:12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है, स्वर्ग के राज्य पर जोर हो रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। बलवान उसे क्या करते हैं? छीन लेते हैं। बलवान का मतलब है जो जागा हुआ है, जो तैयार है, जिसने अपने आप को तैयार कर लिया है, वो ही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो समझ लीजिए, कीप रेडी, जीसस इज कमिंग सून, यीशु जल्द आने वाला है। तैयार रहना आपका काम है, वो कैसे आएगा, कब आएगा, वो आपका काम नहीं है। उसको जानने की कोशिश भी मत करो। अगर आपके आजू बाजू में ये निशानात जो हमने देखे, यीशु मसीह ने जो बताए, वो पूरे होते हुए आपको दिख रहे हैं, तो मेरे अजीजों, बहुत जल्दी उसका आगमन निकट है। इसलिए एक गीत के लेखक ने बोला है, जब देखो निशानात, भाइयों सब जग जाओ, कुपियों में तुम तेल भरो, मशाले लो तैयार, मशालों को तैयार कर लो और अलर्ट हो जाओ। मेरे अजीजों, आज शाम परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया। प्रभु, हम मिट नहीं गई, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रभु, आज इस दृष्टांत के माध्यम से हमने जागरे के विषय में और विश्वास योग्यता के विषय में और बुद्धिमानी के साथ अपने लोगों के साथ व्यवहार करने के विषय में जाना समझा। प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु। इस समय हम दुआ करते हैं, जो बीमार हैं उनको चंगाई दीजिए, और जो प्रभु प्यारे परमेश्वर पिता, जो लोग प्रभु जी इस समय जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष कहता हूँ। सुने गए वचन के द्वारा हमें तैयारी की आत्मा दे, हम अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी रीति से निभाएं, अपने परिवार के लोगों से प्यार करें, उनका समय समय पर उनका ध्यान करें, हर
हर प्रकार से उनकी केयरिंग करें, अपने नौकर चाकरों के साथ भी प्रभु हम अच्छा व्यवहार करें, खाऊ और पियक्कड़ ना बने और अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं, तुमने हमारी प्रार्थना सुनी है, सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रू की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। प्रेयर टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका इस्तेमाल करें। प्रतिदिन आप हमारे लिए अपनी प्रार्थना उठाए रखें, और यदि किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।